नारायणपुर ब्लॉक में जनहित के मुद्दे पर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में हमने डीसी साहब को, एचयू साहब को, एसी साहब को और यहाँ के जो अनुभवी हम सबके गार्जियन हैं फुरकान साहब को हमने बुलाया था। और जो तीन महत्वपूर्ण मांगे हैं यहाँ, एक है हमारा पहाड़िया, जो है हम लोग पहाड़िया के लिए लड़ते हैं, लेकिन अब तक उनका जो हक है केंद्र सरकार से वंचित है, वो दिला नहीं पा रहे। बार बार चुनाव में बहिष्कार कर प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण उनके बच्चे वंचित हो जा रहे हैं, हर लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। एग्जाम में बैठ नहीं पाता, कहीं बाहर नहीं जा पाता, तो मतलब पहाड़िया का बहुत बुरा हाल है पूरे। तो इसको देखते हुए हम लोग ये निर्णय लिए कि ग्राम सभा करा कर हम लोग हवाई जो रांची भेजेंगे, झारखंड सरकार को भेजेंगे और कैबिनेट में ही मामला जाएगा, ताकि निर्णय ले और हम लोग सेंट्रल को भेजने का काम करें, ताकि हमारे लोगों को कम से कम कुचला जा रहा है। गरीब आदमी, पहाड़िया होना पाप नहीं है, इसको कौन देखेगा। दूसरा ये है कि गढ़वाल समाज, हम लोग बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, गढ़वाल का मांग पूरा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन टेक्निकल बातें कोई जानता नहीं है। वो तो थैंक्स टू फुरकान साहब, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा करो, हम लोग एक प्रस्ताव भेज रहे हैं और हमको लगता है एक दो दिन में हम लोग प्रस्ताव हम लोग भेजेंगे, झारखंड सरकार को भेजेंगे और झारखंड सरकार जो है निर्णय लेगी, हम लोग फिर सेंट्रल को भेजेंगे। सेंट्रल का जो मामला है, हाँ, सेंट्रल का मामला हमारे मथे पे आ जा रहा है, हमारे मथे पे आ रहा है, मतलब लोगों को निर्धारित किया जा रहा है कि हम लोग जिम्मेवार हैं। तीसरा है कि पबिया में जी याद होगा कि सैकड़ों परिवार को, दलित परिवार है, उन परिवारों को यहाँ के पूर्व विधायक फुरकान साहब ने बसाया था, आवास भी दिया था, इंदिरा आवास भी दिया था, गरीब लोगों को घर मिला था उस समय। और उसके बाद से जब फुरकान साहब यहाँ विधायक नहीं रहे, उसके बाद से सरकार की कोई योजना उन दलित परिवार को नहीं मिल पा रहा है, स्थिति भयावह है। डीसी साहब भी गई थी, हम भी गए थे, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो आखिर हम लोगों ने जाना कि क्या मामला है, तो पता चला कि फॉरेस्ट का कुछ आपत्ति है, तो उनका मामला को हम लोग सॉर्ट आउट कर लिए हैं और वन अधिकार पट्टा जो है, इस मामले को हम लोग बनाकर उनको पट्टा देंगे, उसके बाद सरकारी लाभ उनको चालू हो जाएगा। 9 तारीख को बृहद पैमाने पर हम लोग उनको सम्मान करेंगे, गरीब को। तो मैं कह रहा हूँ, और है चौथा एक मामला आया है मुरली पहाड़ी हाई स्कूल, वहाँ काफ़ी बच्चे हैं हमारे, पढ़ना चाहते हैं, भवन नहीं है, तो वहाँ के वो सारे अभिभावक यहाँ आए थे आज, उनका मांग है विधायक जी, मंत्री जी और डीसी साहब कि हम लोगों को बिल्डिंग बना दिए, ताकि बच्चा और पढ़ना चाहते हैं, बिल्डिंग होगा तो और बच्चा पढ़ेंगे। इसको देखते हुए विद्यालय कोष की राशि से वहाँ पर हम लोग नया भवन, नहीं अतिरिक्त कमरा भवन हम लोग हम बनाएंगे, ताकि हमारा और बच्चा वहाँ रहे और टीचर हम लोग स्थापित करें और बच्चा वहाँ एजुकेशन ले सके। तो चार महत्वपूर्ण आज हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया, पास हुआ और यहाँ पर लोगों को हम लोग मैसेज दिए कि सरकार आपकी है। और सबसे ज़्यादा देखिए वंचित यही हो गया, गढ़वाल, दलित, आदिवासी, पहाड़िया, अल्पसंख्यक, 18 साल हम लोग नहीं थे, हम लोग अभी 2 साल में इस सारे गैप जो है इनको सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं। डीसी साहब मुस्तैद हैं, लगी रहती हैं, काम करती हैं, हर वो गरीब तक पहुंचने का काम करती हैं और मंत्री जी को ले जाती हैं कि सर वहाँ चलना है। तो ये बड़ी बात है, हम लोग जनता से कनेक्ट हैं, जनता का हर वो काम हम लोग कर रहे हैं जो जनता को आज तक नहीं मिला था। मेरे विवाह का ही मामला है और अभी तो मैं नया नया आया हूँ, 4-5 दिन हुआ ही है, काम संभाला हूँ, तो लेकिन मैंने एश्योर किया है लोगों को, रांची में मिले थे हमारे भाई लोग मिले थे, हम गरीब की उपज हैं, नरेगा मनरेगा मजदूर की उपज इरफान अंसारी, तो उनके मांगों से वंचित नहीं होगा। बैठते हैं, कैबिनेट में लाएंगे, सीएम साहब से मिलेंगे, ये पॉलिसी मैटर बात है, केवल हमारा विभाग चाहेगा कर दे ऐसा नहीं है, ये निर्णय हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। तो हम लोग उनको अवगत करा कर निश्चित तौर पर जो लोग आंदोलनकारी हैं, जो लोग निविदा में हैं, तो उसके लिए हमारी सरकार गंभीर है, रास्ता निकालने का काम। ठीक, आज हम लोगों ने यहाँ नारायणपुर के अंचल अधिकारी के कार्यालय में बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें सर्वप्रथम है यहाँ पहाड़िया जो जनजाति है उसका सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनने से इन लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ हैं, ना तो इनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना ही सरकारी योजनाओं का इन्हें लाभ मिल पा रहा है। तो इस पर हम लोगों ने बात किया, जो कार्मिक विभाग का सर्कुलर है उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई करते हुए इसे
कैबिनेट के अप्रूवल के लिए झारखंड सरकार को भेजेंगे। दूसरा घटवाल के संबंध में भी यही बातें आ गई हैं, तो घटवाल के संबंध में भी हम लोग यही करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो विद्यालय है एक, उसमें छात्र छात्राओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो छात्र छात्रा बाहर बैठे रहते हैं बरामदे में, तो उसके लिए भी माननीय मंत्री महोदय और माननीय एक्स एम पी सर का हमें निर्देश प्राप्त हुआ है। तो ये जेन्युइन डिमांड है, तो इसके लिए हम लोग विद्यालय प्रबंधन कोष जो है उससे एडिशनल राशि की व्यवस्था करते हुए अतिरिक्त कमरे का निर्माण करेंगे, ताकि जो है सो बच्चे आराम से पढ़ सकें। मुंडली पहाड़ी, हाँ मुंडली पहाड़ी वाला, तो उसमें बात हो रही थी कि जमीन नहीं है, बट उसकी भी व्यवस्था होगी, हम लोग उसमें करेंगे।